मैं डॉक्टर ताबिना सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, किसी भी थिंकर को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसको अपने परिवार में या अपने बारे में समझ के उसको याद करें, तो वो कभी भूलने वाला नहीं है। आज मैं ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करूंगी, प्लेटो के बारे में। प्लेटो से पहले ही यूनानी लोग राजनीतिक चिंतन करने लगे थे। सोकेस्क्यू तथा सुकरात ने निश्चय ही राजनीतिक चिंतन की लहर यूनान में दौड़ा दी थी। फिर भी उसने पूर्व किसी ने क्रमबद्ध तथा विधिपूर्वक राजनीतिक चिंतन नहीं किया। प्लेटो वास्तव में पहला यूनानी दार्शनिक था जिसने राजनीतिक समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से चिंतन किया और यूनानी नगर राज्यों के सिद्धांतों तथा आदर्शों को पूर्ण रूप से विश्लेषण किया। प्लेटो का जन्म यूनान के नगर राज एथेंस में एक धनी परिवार 427 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्लेटो के जीवन की तीन रचनाएं उनकी संपूर्ण प्रसिद्ध का वर्णन बनी है। सबसे पहली रचना है रिपब्लिक स्टेटमेंट, तीसरी द लॉज। प्लेटो का आदर्श राज्य का सपना, प्लेटो प्रजातंत्र राज्य के स्थान पर नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो दार्शनिक और धार्मिक राजा को राज्य सौंपना चाहता था, योग्य राजा हो जिसके राज्य में सुख शांति तथा कर्तव्यशीलता व्याप्त हो और वो आदर्श राज्य होगा। प्लेटो के अनुसार राज्य की आवश्यकता पड़ती है। प्लेटो एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो सत्य पर आधारित है तथा मानव हित चाहता हो। वो राज्य क्या है इसका नहीं, वरन कैसा होना चाहिए इसकी विवेचना करता है। राज्य की दो विशेषताएं हैं, प्रथम न्याय या श्रम विभाजन का सिद्धांत और दूसरा उसका आधार है आर्थिक स्वप्न। रिपब्लिक ने प्लेटो ने इसी आदर्श राज्य का वर्णन किया है। आदर्श राज्य में वर्ग का विभाजन कैसे होता है, प्लेटो अपने राज्य में तीन वर्गों को होना अनिवार्य बताता है। पहला जो है राज्य का उत्पादक वर्ग। प्लेटो वर्ग विभाजन का आधार आत्मा की प्रकृति को बताता है। उसका विचार था कि आत्मा के तीन प्रकृतियां होती हैं। इन तीनों में से सबसे पहला जो होता है तीव्र प्रकृति तृष्णा की होती है। इस प्रकार प्रकृति के कारण ही मानव का मन भूख प्यास मोह और कामनाओं में जो है डूब जाता है। इस प्रकृति के कारण ही मानव में उत्पन्न करने की भावना जागती है। दूसरा वर्ग जो है होता है वो सैनिक वर्ग होता है। प्लेटो जो है अपनी आत्मा की दूसरी प्रकृति के शौर का नाम देता है। प्लेटो कहता है कि जिस राज्य में केवल आर्थिक वर्ग ही उत्पन्न हो पाता है वो राज्य अधूरा होता है। मानव बुद्धि केवल रोटी खाकर पानी पीकर शरीर को वस्त्रों से ढककर तथा रहने की व्यवस्था करना ही संतुष्ट नहीं होता है। वो ललित सुरमय तथा विलासपूर्ण सामग्री को भी लालसा करता है। उसके बाद आता है शासक वर्ग जो प्लेटो की आत्मा की तीसरी प्रकृति का के ज्ञान को बताता है। प्लेटो कहते हैं कि इंद्रिय तृष्ट की पूर्ति करने वाला आर्थिक वर्ग जब दूसरे राज्यों के भूभाग पर अधिकार करना चाहता है तो उसमें शौर्य प्रदर्शन की भावना जाग उठती है। इसके बाद जो है आदर्श राज्य में शासन कार्य को जो मैं बताऊंगी। प्लेटो का आदर्श राज्य में शासन कार्य कैसा था, प्लेटो अपने आदर्श राज्य के शासन की बागडोर ज्ञान प्रधान लोगों को ही सौंपना उचित समझते थे। प्लेटो के कुशल शासकों के लिए शिक्षा पद्धति की व्यवस्था पर जोर दिया है।
इस शिक्षा के द्वारा शासकों में से राजनीतिक दोष निकालना प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था। वो कहते हैं कि जब किसी दार्शनिक जो राजाओं के राजा हैं तथा राजकुमारों के राजकुमार हैं दर्शन की भावना में ओतप्रोत न होंगे, नगरों को उनके कुप्रभावों से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। आदर्श राज के नागरिक, आदर्श राज के नागरिक कैसे होंगे? वो सुंदर तथा स्वस्थ होंगे, उसमें ज्ञान की पिपासा हो तथा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हो, उनकी बुद्धि मंद न होकर जागरूक हो, उसका अपने पड़ोसियों से व्यवहार प्रेम पूर्वक हो, जीवन को उच्च बनाने की उसमें आकांक्षा हो, वो सामान्य वाद विवादों में भाग लेने की सामर्थ्य रखता हो, अपने कर्तव्य को स्वेच्छा से पूर्ण करने वाला हो, राज्य के प्रति सर्वस्व निछावर करने की इच्छा रखता हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।